सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और गाइस, अभी बजे हैं सुबह के 6:30। तो अभी मैं व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को विश यू अ हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, ये दिवाली आपकी खुशियों से भर जाए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और डियर, अभी मॉर्निंग में मैंने पूजा भी कर ली है एंड देन रंगोली भी बना ली है। मैं वैसे रंगोली बनाना मुझे इतना ज्यादा नहीं आता, बचपन में बनाती थी जब शादी नहीं हुई थी तो मैं और मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा शौक से बनाते थे। बट ऐसा होता है ना, कई सालों तक जो चीज आपने सीखी है उसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो तो उससे ना आप थोड़ी डल होने लगते हो। तो बस वही मेरे साथ हुआ है। तो बस वैसे तो मैंने बनाई है, तो चलो मैं दिखाती हूँ उसका लुक कैसा है। और यहाँ पर ना आपको मेरी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही होगी, मुझे ना जुखाम हो गया है तो इसलिए आपको आवाज से पता चल रहा होगा। तो मैंने शावर ले लिया है और मैंने पहनी है आज ये वाली साड़ी। और ये जो है वो मैंने अपनी जो साड़ी का जो रिव्यू दिखाया था साड़ी कलेक्शन का, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये वाली साड़ी कहाँ से ली है, इसका फैब्रिक, इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने आपको बताया है। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वाली साड़ी कैसी लगी। और शाम को फिर न्यू कपड़े पहनेंगे। गाइस, दिवाली है तो दिवाली का बहुत ढेर सारा काम तो होगा ही, तो बस बीच बीच में आपसे बात करती रहूंगी, बट अभी काम करने चलते हैं। चलो, और यहाँ पर देखिए दोपहर हो चुकी है। और तो दिवाली का खाना दोपहर से ही बनाना पड़ता है क्योंकि शाम तक हमें खाना बनाकर रेडी करना पड़ता है, फिर पूजा होती है तो बहुत सारे काम होते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटर पनीर। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को अच्छे से कुक कर लेने के बाद थोड़े से डाल दिए हैं मैंने खड़े मसाले और खड़ा लहसुन और अदरक के कुछ पीस डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज की हरी मिर्च ले ली है, इनको डाल दिया है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रेवी, मटर पनीर की जो ग्रेवी मैं जैसे बनाती आई हूँ सिंपली वैसे मुझे ग्रेवी बनानी है। उसके लिए मैंने रफली चॉप करके ऑनियन डाल दी है और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज की ऑनियन ली थी, इसको मैंने अच्छे से डाल दी है रफली चॉप करके। और यहाँ पर प्याज को ना हमें हल्का सा रेड कलर आने तक भून लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा रेड रेड हो जाए। और रफली चॉप की हुई प्याज है तो ऑब्वियसली जल्दी पक जाने वाली है। और ये है सिंपल ग्रेवी जो मैं आपको पिछले बहुत सारे वीडियो में, जैसे कि पनीर, शाही पनीर, मसाला पनीर, छोले, इस तरीके से मैंने जो सब्जियां बनाई है उसमें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से भून लिया है, हल्का सा रेड कलर आ चुका है हमारे प्याज का और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इनमें हमने थोड़े से कुछ खड़े मसाले भी डाले हैं तो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो बस प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी है, ज़्यादा नहीं भूनना है इससे। तो बस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 छोटे साइज के टमाटर और ये है देसी टमाटर, इनको भी मैंने रफली चॉप किया है क्योंकि हमें बस थोड़ा सा कुक करना है वेजिटेबल को, यानी कि अनियन और टोमेटो को। उसके बाद फिर हमें ग्रेवी बनानी है। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है नमक ताकि सब्जियां जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो टमाटर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और थोड़े हल्के हल्के से गल भी चुके हैं। तो इससे ज़्यादा हमें ग्रेवी को नहीं पकानी है, ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं टमाटर को मैश करके दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छे से मैश हो रहे हैं, इसका मतलब ग्रेवी का जो मसाला है वो रेडी हो गया है। ओके, तो
हमें कर देना है यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑफ, और हमने ये जो मिक्सचर बनाया है इसको हमें ठंडा करना है। पूरी अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद फिर हमें ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पर देखिए मेरी जेठानी जी हैं, वो चूल्हे पर खाना बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं आलू गोभी की, क्योंकि 2 से 3 सब्जियाँ दिवाली पे हमारे यहाँ बनती हैं और बहुत सारा काम होता है। तो इस तरीके से हम लोग आधा खाना चूल्हे पर और आधा खाना गैस पर बना लेते हैं। और हमारे घर में पता नहीं क्यों शुरू से ही जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं ना, उनका खाना चूल्हे पर ही बनाया जाता है। बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब सब लोग मिलकर खाना बनाते हैं, सच में गाइस। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल अच्छे से कुक कर लिया है। मैंने यहाँ पर लिया है ऑलिव ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। उसमें डाल दिए हैं 4 से 5 काली मिर्च के दाने, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक को ना चॉप करके डाल दिया है। इसके जब पीस मुँह में आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेंगे। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया है मेरा रूटीन का मसाला पेस्ट, और इस पेस्ट में है अदरक का, लहसुन का पेस्ट, और है धनिया पाउडर, मिर्ची का पाउडर, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। उसके बाद फिर मुझे मसाले को थोड़ा सा तेल में अच्छे से पका लेना है, कम से कम 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला हमारा जो है जले ना और अच्छे से पक जाए तेल में। आप देख सकते हो जैसे ही जैसे मैं तेल में मसाले को पका रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको तो नहीं आ रही होगी बट मुझे आ रही है, और काफ़ी दानेदार मसाला हो चुका है। साथ ही साथ जो हमने अपने ग्रेवी का जो मसाला बनाया था, जो मिक्सचर बनाया था, उसको भी मैंने एक बारीक सा पेस्ट बना लिया है, एकदम फाइन पेस्ट, उसको मैंने डाल दिया है। अब हमें इस पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ लो फ्लेम पर इसको हमें अच्छे से कुक कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी कुक किए हुए ऑनियन टमाटर दोनों ही थे, तो ज़्यादा कुक करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। बट लो फ्लेम पर अगर आप कुक करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी ग्रेवी पकेगी और आपका जो ऑयल है वो भी अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। अगर आपने गैस की फ्लेम हाई की है तो आपका ऑयल रिलीज़ नहीं होगा और वो टेस्ट भी नहीं आएगा, जो रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर बनते हैं वो वाला। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस इसको मैं लो फ्लेम पर अच्छे से पका लूँगी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रेवी बनके रेडी हो रही है हमारी, और इसका टेक्सचर देखिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कितने अच्छे दानेदार ग्रेवी हो रही है, काफ़ी चेंज आ रहा है पकते पकते, कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं ग्रेवी को पकाने में। बीच बीच में आप हिलाते रहिएगा, नहीं तो फिर ग्रेवी जो है वो जल जाएगी। और इसको ढकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप इसको ढकोगे ना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा और काफ़ी अच्छा कलर भी आ जाएगा। और अगर ढकोगे नहीं तो आपकी दीवार भी गंदी होगी, आपका किचन गंदा होगा, राइट, और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा आपकी ग्रेवी का। तो यहाँ पर देखिए ग्रेवी हमारी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, ऑयल भी अच्छे से रिलीज कर दिया है। तो इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ पनीर और फ्रोज़न मटर, और अच्छे से हमें ग्रेवी में दोनों को मिक्स कर देना है, और अच्छे से मिक्स कर देना है हमें। और जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि हमें यहाँ पर पनीर डाल देने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने टाइम देखकर ओनली 5 मिनट तक मैंने कुक किया है, और आप देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा मटर पनीर बनकर रेडी हुआ है। मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये वाली रेसिपी, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो बस इसमें हल्का सा खट्टापन के लिए मैं डाल रही हूँ 1 लेमन और थोड़ी सी धनिया पत्ती, ताकि अच्छा दिखे
और टेस्ट भी अच्छा आए। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूरा खाना बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पर मैंने बनाया है बैंगन की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी और साइड बाय साइड मैंने यहाँ पर बनाया है मटर पनीर की सब्ज़ी। देखिए है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए। और फटाफट से मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी तो मैं अपना लुक आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए हे गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ। प्लीज़ मेरा लुक अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और खाना बन चुका है, अब बस पूजा की प्रिपरेशन करनी है। तो बस फटाफट से मैं करती हूँ पूजा की प्रिपरेशन, टाइम हो गया है नहीं तो फिर मुहूर्त निकल जाएगा। और श्रेय को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए। और रेडी हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर श्री लक्ष्मी जी और श्री गणेश को मैंने यहाँ पर इस तरीके से विराजमान कर दिया है। और यहाँ पर देखिए एक छोटी सी रंगोली बनाई है अगर आप देख सको तो, और कुछ दिए रख दिए हैं देखिए। और हमारे घर में दिवाली का पूजन कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पर कर रहे हैं मेरे फादर इन लॉ, सबसे पहले पूजन करते हैं क्योंकि वो सबसे घर के बड़े हैं। और यहाँ पर कर रहे हैं मेरे हस्बैंड पूजा। आप देख सकते हो कितना अच्छा लगता है दिवाली पे, दियों से एकदम घर रोशन हो जाता है। और पता नहीं क्यों ये फेस्टिवल सभी को इतना पसंद आता है। इस फेस्टिवल पे हम इतनी सारी प्रिपरेशन करते हैं वो किसी भी फेस्टिवल में नहीं करते हैं, राइट। तो आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। माता श्री लक्ष्मी अपनी कृपा आप पर सदा बनाए रखें और आपको और हमें सुख शांति प्रदान करें, आपके घर को धन धान्य से भरे रहे। और ये है नेक्स्ट डे का एक छोटा सा क्लिप, क्योंकि दिवाली के बाद यहाँ पर होता है गोवर्धन पूजा। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है गोवर्धन पूजा, जो गौ माता का शुद्ध गोबर होता है उन उससे गोवर्धन महाराज की इस तरीके से प्रतिमा बनाई जाती है। और यहाँ पर देखिए जो कच्चा खाना होता है ना, जैसे कि कढ़ी चावल दाल रोटी और दही वड़ा, ये जो हमारे यहाँ इनको ना कच्चा खाना बोला जाता है, उनका इनको भोग लगाया जाता है और पूजन किया जाता है। तो बस इन्हीं के दर्शन में आप सभी लोगों को देना चाहती थी। और हमारे यहाँ दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो गोवर्धन पूजा के दिन मैंने कुछ इस तरीके से खाना बनाया था, तो मैं आपको कुछ लुक दिखाना चाहती थी। कढ़ी दाल चावल रोटी दही वड़ा, और ये दही वड़ा ना कुछ अलग है, मैं आपको इसकी रेसिपी एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी और थोड़ा सा अचार। तो गाइस आज मैंने आपको दिखाया मेरा दिवाली एंड गोवर्धन पूजा का कंबाइन ब्लॉग। और ये है मेरे आंगन की रंगोली, देखिए। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं रंगोली में, बट जितनी भी आती है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो गाइस यही तक का था आज का मेरा ये ब्लॉग। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट का बहुत वेट करती हूँ। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का मेरा ये ब्लॉग? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बाय बाय।